हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 31। हिस्ट्री की है। इसमें हम देखते हैं क्या है नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में नेशनलिज्म है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। पहला क्या है नेशनलिज्म इज ब्रिटेन। ब्रिटेन में कैसे नेशनलिज्म स्टार्ट हुआ और कैसे आखिर आगे बढ़ा। द फॉर्मेशन ऑफ द नेशन स्टेट वॉज नॉट द रिजल्ट ऑफ सडन अपहीवेवल और रिवॉल्यूशन बट द रिजल्ट ऑफ द लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। यानी क्या कह रहा है कि जो ब्रिटेन का जो नेशन जो बना स्टेट बना वो अचानक से नहीं बना, यानी कि रिवॉल्यूशन और सडन अपहील से नहीं बना। इसमें क्या हुआ, बहुत ही लंबा प्रोसेस लगा जिसमें लोग जो थे अपने उन्होंने साथ दिया और नेशनलिज्म स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे ब्रिटेन को बनाया गया। देयर वॉज नो ब्रिटिश नेशन पीरियड टू द 18th century। 18th century से पहले पहले ब्रिटिश नेशन नहीं था। द इंग्लिश नेशन स्टेडिली ग्रो इन वेल्थ इंपॉर्टेंस एंड पावर एंड वॉज एबल टू एक्सटेंड इट इन्फ्लुएंस ओवर द अदर नेशन ऑफ द आइलैंड्स। जो इंग्लिश नेशन था वो धीरे धीरे क्या हुआ, उनका वेल्थ हुआ, वेल्थ ग्रो हुआ, इंपॉर्टेंस हुई और उन्होंने क्या किया, पावर बढ़ाने के लिए, वेल्थ को बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, अदर नेशन जो दूसरे नेशन है आइलैंड के उसके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस किया और उसके अपने अंदर पावर में ले लिया। द इंग्लिश पार्लियामेंट सीज पावर फ्रॉम मोनार्ची इन 1688 में क्या किया, इंग्लिश पार्लियामेंट ने मोनार्ची की सारी पावर को सीज कर दिया। द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वॉज फॉर्म्ड इन 1707 विद इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। जो यूके है यानी यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वो कैसे बना, 1707 में बना, किसके साथ, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को दोनों को मिलाया और उसे यूके में बनाया गया, यानी इसका यूके नाम दिया गया। आफ्टर द फेयर्ड रिवॉल्ट इन 1798 आयरलैंड वॉज फोर्सफुली इनकॉर्पोरेटेड इन टू द यूके इन 1801। 1801 में क्या हुआ, आयरलैंड को फोर्सफुली क्या किया, यूके में जोड़ा गया। द सिंबल ऑफ द न्यू ब्रिटेन वर एक्टिवली प्रोमोटेड। जो न्यू ब्रिटेन का जो सिंबल था उसे क्या किया गया, एक्टिवली बहुत ज़्यादा उसे प्रमोट किया गया, जगह जगह उसको यूज में लाया गया। आगे हम पढ़ते हैं ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी ग्रीक में क्या कैसे वॉर हुए इंडिपेंडेंस को लेकर। ग्रीक वॉज द पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर सिंस 15th century। 15th century से क्या था, ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था क्या, ग्रीक। द ग्रोथ ऑफ रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 स्पार्क ऑफ अ स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस अमंग ग्रीक। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ, ग्रीक में भी लोगों के मन में क्या आ गई, भावना आई कि हमें भी क्या मिलनी चाहिए, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस स्टेटेड इन 1821 में क्या हुआ, पहली बार इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल किया गया। नेशनलिस्ट इन ग्रीस गॉट सपोर्ट फ्रॉम द अदर ग्रीक लिविंग इन एक्साइल एंड आल्सो फ्रॉम द मैनी वेस्ट यूरोपियंस। जो ग्रीस के नेशनलिस्ट है उन्हें सपोर्ट मिला कहाँ से, जो बाहर एक्साइल में रह रहे ग्रीक थे और मैनी वेस्ट यूरोपियन का भी उन्हें साथ मिला, यानी समर्थन मिला। मैनी पोएट एंड द आर्टिस्ट मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट ग्रीस स्ट्रगल। बहुत सारे पोएट और आर्टिस्ट ने क्या किया, लोगों को अपने साथ जोड़ा। द इंग्लिश पोएट लॉर्ड बैरन ऑर्गेनाइज फंड एंड लेटर वेंट टू द फाइट इन द वॉर वेयर ही डाइड इन ऑफ फीवर इन 1824। एक इंग्लिश कवि थे लॉर्ड बैरन, उन्होंने क्या किया, फंड ऑर्गेनाइज किया और फिर फाइट के लिए लड़ने गए और जहाँ पर उन्हें बुखार से, फीवर से यानी उनकी मौत हो गई। द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपलिया ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज ग्रीस एज अ इंडिपेंडेंट नेशन। क्या हुआ, कॉन्स्टेंटिनोपलिया की जो ट्रीटी थी उसमें ग्रीस को क्या किया गया, एक इंडिपेंडेंट नेशन को बना दिया गया, यानी कि ग्रीस को स्वतंत्रता मिल गई और वह क्या हुआ, इंडिपेंडेंट बन गया। आगे पढ़ते हैं नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म, बाल्कन प्रॉब्लम। द बाल्कन वॉज अ रीजन ऑफ जियोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन कंप्राइजिंग मॉडर्न डे रोमानिया, बुल्गेरिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैकेडोनिया, क्रोशिया, सोलोवेनिया एंड सर्बिया एक्सेट्रा। यानी जो बाल्कन्स है वो एक रीजन है जहाँ पर क्या है, बहुत सारे लोग डिफरेंट तरह के वहाँ पर लोग रहते हैं, जहाँ यानी कि जो आज के टाइम वाले रोमानिया, बुल्गेरिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैकेडोनिया, क्रोशिया, सोलोवेनिया और सर्बिया है आज के टाइम वाले, उस टाइम पे क्या थे, पहले वो सारे एक साथ थे। वूज इनहेबिटेंट्स वर ब्रॉडली नॉन एज स्लैब्स, और वहाँ के रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता था, स्लैब कहा जाता था। अ लार्ज पार्ट ऑफ बाल्कन्स वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर के अंडर कंट्रोल में था, कि बहुत बड़ा एरिया बाल्कन का ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। द स्प्रेड ऑफ आइडिया ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म इन द बाल्कन्स टुगेदर विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर मेड दिस रीजन वेरी एक्सप्लोसिव।
क्या हुआ, रोमांटिक नेशनलिज्म का आइडिया के कारण क्या हुआ, बाल्कन में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव यानी लोग क्या हुए, बहुत ज़्यादा क्या हुआ, उनको उनके मन में ये आया कि अब हमें स्वतंत्र होना चाहिए, हमें नेशनलिज्म, उनके मन में क्या है, नेशनलिज्म का आइडिया आया। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वन बाय वन यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिस्ट ब्रोक अवे एंड डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस। वहाँ पर जितने भी पहले जो राज्य थे, जो लोग थे वहाँ के रहने वाले, उन्होंने क्या किया, अपने आप को आज़ाद करने की कोशिश की और कहा कि अब हम स्वतंत्र हैं। एज अ डिफरेंट स्लेविक नेशनलिटी स्ट्रगल टू डिफाइन देयर आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस। और जो डिफरेंट स्लेविक पीपल्स थे उन्होंने क्या किया, स्ट्रगल किया ताकि उन्हें अपनी आइडेंटिटी मिल सके और उन्हें इंडिपेंडेंस मिल सके। द बाल्कन एरिया बिकेम एन एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट। और जिसके कारण क्या हुआ, जो बाल्कन एरिया है वहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। द बाल्कन स्टेट होप टू गेन मोर टेरिटरी एट द एक्सपेंसिस ऑफ द अदर। बाल्कन्स में क्या हो गया, लड़ाई होने लगी कि हमें ज़्यादा एरिया मिलना चाहिए रहने के लिए, और दूसरे कह रहे हमें ज़्यादा एरिया मिलना चाहिए रहने के लिए। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वॉज इंटेंस राइवलरी अमंग द यूरोपियन पावर फॉर कंट्रोल ओवर दिस एरिया। तो इस टाइम पर क्या हुआ, लोगों के बीच बहुत ज़्यादा क्या हो गया, लड़ाई होने लगी, और जिसके कारण आगे में दिस फर्दर कॉम्प्लिकेटेड द मैटर। और ये मैटर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, एंड दिस लेड टू द सीरीज ऑफ वॉर इन द रीजन एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और यही जो लड़ाइयाँ थी वो धीरे धीरे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो गए, यानी कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था वो इसी कारण से हुआ था, बाल्कन में ही कारण हुआ था। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट है, इफ़ यू हैड बीन इन अ प्लेस ऑफ द पोर्ट पोएट लॉर्ड बायरन, हाउ वुड यू हैव कंट्रीब्यूटेड द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अगर आप पोर्ट लॉर्ड बायरन की जगह पर होते तो आप आखिर ग्रीक वॉर में आखिर आप क्या भूमिका निभाते, आप क्या हेल्प करते। तो मैंने आंसर लिखा है, If I had been instead of Lord Byron, I would help lower one and middle one by awareness and importance of nationalism. अगर मैं उनकी जगह पर होती तो मैं क्या करती, मैं लोअर वन यानी कि जो नीचे वर्ग नीचे वाले लोग हैं और जो मध्यम वर्ग है यानी मिडिल कास्ट लोग हैं उनको अवेयरनेस फैलाती, और जो नेशनलिज्म की जो इम्पोर्टेंस है वो उन्हें बताती। आई वुड रेज द वॉइस फॉर द स्ट्रगल, मैं संघर्ष के लिए आवाज़ उठाती, एंड कीप देयर कॉन्फिडेंस बाई यूजिंग सम पेट्रियट पोएम, और उनके कॉन्फिडेंस को बनाए रखने के लिए कुछ राष्ट्रगीत वगैरह वगैरह उसका मैं इस्तेमाल करती। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट इन ब्रिटेन वॉज नॉट द रिजल्ट ऑफ सडन अपहीवल और रेवोल्यूशन बट वॉज अ रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस एग्जामिन। यानी जो ब्रिटेन का जो स्टेट बना वो ईजिली नहीं बना, उसमें क्या हुआ, बहुत ही लंबा टाइम लगा। तो आप उसे बताइए कैसे, द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट ऑफ ब्रिटेन वॉज नॉट द रिजल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग सडन अपहीवल और रिवोल्यूशन बट वॉज अ रिजल्ट ऑफ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। देर वॉज नो ब्रिटिश नेशन पियर इन द टू द 18th सेंचुरी, द इंग्लिश नेशन स्टेडली ग्रोन एंड वेल्थ इंपॉर्टेंस एंड पावर वॉज एबल टू एक्सटेंड इट इन्फ्लुएंस ओवर द अदर नेशन ऑफ द आइलैंड। द इंग्लिश पार्लियामेंट सीज पावर ऑफ मोनार्ची इन 1688, द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वॉज फॉर्म्ड इन 1707 विथ इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। आफ्टर द फेल्ड रिवॉल्ट इन 1798 आयरलैंड वॉज फोर्सिवली इनकॉर्पोरेटेड इन यूके, द सिंबल ऑफ द न्यू ब्रिटेन वर एक्टिवली प्रमोटेड। यानी कि जो भी मैंने इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे वो मैंने सारे इसमें लिख दिए हैं, आप कुछ चाहे तो आप इवेंट्स छोड़ भी सकते हैं और अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। मैंने जो लिखा है आप उसे प्लीज़ देख लीजिएगा कि आपको कितना बड़ा लिखना है, किस हिसाब से लिखना है। थर्ड क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द सिचुएशन ऑफ द बाल्कन स्टेट। बाल्कन स्टेट के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है, तो मैंने लिखा है शॉर्ट नोट, द बाल्कन्स वार द रीजन ऑफ द जियोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन कंप्राइजिंग मॉडर्न डे रोमानिया बुल्गारिया अल्बानिया ग्रीस मैकेडोनिया क्रोशिया सोल्वेनिया सर्बिया एक्सेट्रा वूज इनहेबिटेंट्स वर ब्रॉडली नॉन एस्लैव्स अ लार्ज पार्ट ऑफ द बाल्कन्स वर अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। यानी मैंने स्टेट्स के बारे में लिखा है कि कौन कौन से स्टेट उस टाइम पे थे और वहाँ के लोगों को स्लैव्स कहा जाता था, और वो मोस्ट ऑफ द एरिया क्या आता था, ऑटोमन एम्पायर के बीच में आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द राइज ऑफ रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म आफ्टर 1789 इंस्पायर द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस द बाल्कन स्टेट। जो 1789 का जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ उसने आके कैसे ग्रीक में इंडिपेंडेंस और बाल्कन में इंडिपेंडेंस के लिए हेल्प की, उसके बारे में हमें लिखना है। आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 द ग्रोथ ऑफ रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म स्पार्क्ड ऑफ अ स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस अमंग द ग्रीक। The struggle for independence stated in 1821, nationalists
got support from other Greek living in the exile and also from the many West Europeans. The Treaty of Constantinople of 1832 recognized Greece as a independent. यानी कि जो भी इसके इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे वो मैंने सारे लिख दिए कि कैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद यहाँ पर नेशनलिज्म का स्टार्ट हुआ. 1821 में यहाँ स्ट्रगल ने पहली बार दिखाया गया और जो नेशनलिस्ट है उन्हें सपोर्ट मिला किसका, ग्रीक के लोगों का और साथ ही साथ वेस्ट यूरोपियंस का भी. और फिर 1832 में क्या हुआ, ग्रीक को इंडिपेंडेंस मिल गई. और ये बालकन का लिखते हैं, इन बालकन वन बाय वन यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिटीज ब्रोक अवे एंड डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस. धीरे धीरे क्या हुआ, यूरोपियन सब्जेक्ट मतलब कि जो यूरोपियन के जो उसके अधीन थे उन्होंने अपने आप को तोड़ना स्टार्ट किया और क्या कहा कि अब हम आज़ाद हैं, हम आपके साथ नहीं रहेंगे. एज अ डिफरेंट स्लेविक नेशनलिटी स्ट्रगल टू डिफाइन देयर आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस. क्या हुआ, डिफरेंट स्लेविक ने अपनी नेशनलिटी, अपनी आइडेंटिटी और इंडिपेंडेंस को बताने की कोशिश की और जिसके कारण क्या हुआ, द बाल्कन एरिया बिकेम एन द एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट. जिसके कारण क्या हुआ, बाल्कन में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुआ. दिस लेड टू अ सीरीज ऑफ वॉर्स इन द रीजन एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. और जिसके कारण ये लास्ट में कहाँ जाता है, हमारे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जाता है. यानी कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हुई, जितनी भी लड़ाइयाँ हुई, वो सारी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को लेके जाती है. ठीक है फ्रेंड्स, हमारा वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है. आपको वीडियो कैसे लगी प्लीज़ हमें बताइए. इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और आएगी वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.